नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। देखिए, बिहार में फिर से बारिश शुरू हो गई है और बारिश के शुरू होने के बाद ही पुलों के गिरने का दौर भी शुरू हो गया है। बीच में आपने देखा था, कुछ दिनों पहले धड़ाधड़ एक के बाद एक पुल गिर रहे थे, जिसमें सरकार भी निशाने पर थी विपक्ष के, और एक बार फिर से एक पुल धराशाही हुआ है। ये नया पुल सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड में स्थित है और पुल धराशाही हो गया है, जिसके कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कारण पूछा गया लोगों से, कैसे पुल गिरा, क्यों गिरा, इस पर तो वो कुछ कहने से कुछ बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन परेशानी अपनी अपनी जरूर बता रहे हैं। क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। सुनिए, गाँव का कितना आदमी का परेशानी है इससे। अच्छा। रात दिन शायद रात भी रोड चल रहा है। अच्छा, से अभी ठप है जी, बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा है। कब टूटा? कल। हाँ, कल रोटी का समय हमारे पानी आया हुआ है, रोटी का समय चल रहा है। जाने आने का ध्वस्ट हो चुका है, तब घूम के 7-8 किलोमीटर जाना पड़ेगा, यही दिक्कत हो रहा है। कब ये हादसा हुआ? कल शाम को 4:30-5 बजे करीब में हुआ। हम लोग नहीं थे, मौजूद थे। कितने साल पहले बना? लगभग 16 या 20 साल के अंदर ही बना होगा। कब टूट रहा बताओ ना, के जाने के लिए हम ना जाने। अच्छा, तो की परेशानी की हो रहा है? सुना आपने, भारत नेपाल सीमा पर इस पुल का निर्माण करवाया गया था, लेकिन अधवारा समूह की नदी में अचानक पानी आने से यह पुल ध्वस्त हो गया, पानी पानी हो गया। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सीतामढ़ी का सोनबरसा प्रखंड स्थित है। सोनबरसा के रजबाड़ा में इस पुल का निर्माण करवाया गया था, लेकिन अब वो पुल जो है वो धराशाही हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपने सुना रविंद्र कुमार और पारसनाथ झा को, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी आपने सुना। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब एक पुल ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि पुल के ध्वस्त होने से राजमार्ग जो रास्ता है वो अवरुद्ध हो जाता है। इस तरफ से उस तरफ जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लगातार गिर रहे पुल से कहीं ना कहीं सरकार भी सवालों के घेरे में है। सीतामढ़ी से सूरज की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।